अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अ सूदिंग लोशन। ये मेरे पास सॉफ्ट टच गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स का सूदिंग लोशन है और इस पे लिखा हुआ है विथ टी ट्री ऑयल। तो इसका पहले बात कर लेते हैं पैकिंग की। तो इट्स अ प्लास्टिक बॉटल जिसके ऊपर कैप है, इसके अंदर एक छोटा सा होल है जिसमें से ये आप यूज़ कर सकते हैं। देन बात करते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने लिखा हुआ है विद टी ट्री ऑयल, तो दिस इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, ख़ास तौर पे जो एक्नी प्रोन स्किन होती है उसके लिए तो टी ट्री ऑयल बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये एंटी फंगल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर स्किन दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो यही उन्होंने यहाँ पर इसकी खूबियाँ भी लिखी हुई हैं कि इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है वो स्किन को रिलैक्स करता है, एंटी बैक्टीरियल है एंड ओवरऑल रेडनेस एंड रैशेस को ख़त्म करता है और इचिंग को ख़त्म करता है। तो इट्स गुड सूदिंग लोशन, वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। देन इसको फेस पॉलिश में भी यूज़ करना है। किस तरह के, सबसे पहले आपने डबल एक्शन क्लेंजर यूज़ करना है, देन उसके बाद मिक्सचर बनाना है ऑक्सीडाइजिंग एमल्शन का, सूदिंग लोशन, स्किन शाइनर और ब्लीच पाउडर का, यानी कि फेस पॉलिश में भी ये यूज़ होता है। देन इसको इसके मज़ीद बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं और सबसे बेहतर जो बेनिफिट इसका है वो ये कि जब आप वैक्सिंग करवाते हैं तो उसके बाद अमूमन स्किन रेड हो जाती है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो उस सूरत में अगर आप सूदिंग लोशन यूज़ करें तो बिल्कुल इरिटेशन नहीं होगी, इचिंग या रेडनेस नहीं होगी। इस लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि जब वैक्सिंग करवाने के फौरन बाद आप ऊपर सूदिंग लोशन अप्लाई करें, चाहे हाथों की है, पाँव की, जहाँ पर भी आपने यूज़ किया वैक्स उसके ऊपर ये अप्लाई करें तो बहुत अच्छी स्किन पर रिलैक्सिंग एक फीलिंग आपको आएगा। तो फेशियल में भी इसको उन्होंने यूज़ करने का तरीका बताया हुआ है, देन इसकी एक्सपिरेशन डेट दी हुई है एंड देन मैन्युफैक्चरर के बारे में। तो फेशियल में किस तरह यूज़ करना है कि पहले आपने क्लेंजिंग करनी है, उसके बाद फिर आपने स्टीम लेनी है, स्टीम लेने के बाद आपने ब्लैक हेड वाले एरिया पे सूदिंग लोशन अप्लाई करके ब्लैक हेड रिमूव करने हैं, उसके बाद एक बार फिर से आपने लगाना है ये वाला सूदिंग लोशन और स्क्रब लगाना है, स्क्रब के बाद आपने मसाज करना है, मसाज करने के बाद आपने ऊपर मड मास्क लगा देना है, देन स्किन टॉनिक। तो यानी कि फेशियल में भी यूज़ हो रहा है, ये फेस पॉलिशिंग में भी यूज़ हो रहा है एंड मैंने आपको जो एक और बेनिफिट बताया कि वैक्स करने के बाद भी इसको आप यूज़ करें। इसके अलावा भी इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, ड्राई पैचेस भी बन रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप लगाएंगे तो बहुत आपको अच्छा फीलिंग आएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। देन हम इसको ओपन करते हैं, ऐसे ये ओपन होगा और इसके ऊपर एक ये छोटा सा होल है जिसके थ्रू ये निकल आएगा इस तरह से। ये देखें, ये तकरीबन यू कैन से क्रीमी सा, रनी सी उसकी जिस तरह क्लिंजर है उस किस्म की इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखें, बहुत ही अच्छी स्मूथ, लगाने में भी ये बहुत ही स्मूथ है और स्किन को फौरन काम कर देता है, यानी कि इचीनेस रेडनेस को बहुत ये इजीली कंट्रोल कर लेता है। ये अगर आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, ख़ास तौर पे ड्राई स्किन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ब्लीच में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फेशियल में स्टीम करने के बाद, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत इसके यूज़ेस हैं। ये देखें इस तरह से ये अप्लाई करने में है और स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बना देती है। तो मुझे ये प्रोडक्ट पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने खुद इसको यूज़ किया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। प्राइस की बात करते हैं तो आई एम सो सॉरी, मुझे इसकी पका नहीं पता कि इसकी क्या प्राइस है। आई थिंक ये 200 के इर्द गिर्द है या 250 का है, कुछ ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है बट डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, तो डेफिनेटली मैं इसको रेकमेंड करूँगी। तो आई होप यू लाइक टुडेज़ रिव्यू, इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।